गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारा 11th क्लास का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे मोल निकालना। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, हमने निकाले थे मोल्स ऑफ एटम्स। एटम्स के मोल का दूसरा नाम था ग्राम एटम्स। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटम्स है तो अपान में क्या आएगा, एटॉमिक मास। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका दूसरा नाम था ग्राम मॉलिक्यूल्स। वेट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये था हमारा, ये आपने करा था। और मैंने क्वेश्चन नंबर बताए थे पेज नंबर 10 के, जो मैंने असाइनमेंट सेंड करा था उसके आपने करे होंगे 1 से लेके 7 क्वेश्चन, 1 to 7 हो गए होंगे। अब इसमें एक टर्म आती है, सबको पता है कि एक मोल में, एक मोल एटम्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 × 10^23, और एक मोल मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 6.022 × 10^23। यानी मोल हटाएंगे तो हम लगाएंगे 6.022 × 10^23। अब यहां पे एक टर्म आती है नेक्स्ट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएमयू, या सिंपली हम यू लिख देते हैं। ये एएमयू स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल एएमयू नहीं लिखा जाएगा, उसकी फुल फॉर्म तो हो जाएगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हम लिखेंगे स्मॉल एएमयू या यू। अब क्वेश्चन ये है कि एएमयू क्या होता है, इट इज एंड यूनिट ऑफ मास, ये काय का यूनिट है, मास का। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि किलोग्राम क्या है तो आप कहोगे यूनिट ऑफ मास, ग्राम यूनिट ऑफ मास, मिलीग्राम यूनिट ऑफ मास। सिमिलरली कोई आपसे कहे कि मीटर क्या है तो आप कहोगे यूनिट ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर क्या है यूनिट ऑफ लेंथ। ऐसे ही मास के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होते हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सिमिलरली एएमयू। जब कोई चीज छोटी होती है बच्चों तो छोटा यूनिट यूज करते हैं, कोई चीज बड़ी होती है तो बड़ा यूनिट यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप सब्जी खरीदने जाओगे तो जनरली उसका रेट पूछोगे कि आलू कितने रुपए किलोग्राम है, गोभी कितने रुपए किलोग्राम है, क्योंकि जनरली हम सब्जी को किलो में खरीदते हैं, 1 किलो 2 किलो आधा किलो। गोल्ड खरीदने जाओगे तो उसका रेट निकल के आएगा ग्राम, क्योंकि गोल्ड हम कम खरीदते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम या 20 ग्राम। अब आप किसी ज्वेलर्स के यहाँ जाके पूछो कि आज गोल्ड कितने रुपए किलोग्राम है, तो आंसर तो आ सकता है किलोग्राम में, क्योंकि ग्राम में जब आंसर है तो किलोग्राम में भी आ सकता है, लेकिन हम नहीं पूछते हैं। आप सब्जी वाले से अगर पूछने लगोगे आज आलू कितने रुपए टोले दिया है या कितने रुपए ग्राम दिया है तो आपको भगा देगा, जबकि आपने कुछ गलत नहीं पूछा। जनरली होता क्या है, कम अमाउंट तो छोटा यूनिट, बड़ा अमाउंट तो बड़ा यूनिट, और बड़ा अमाउंट तो और बड़ा यूनिट। हम कहेंगे यहां से लखनऊ का डिस्टेंस कितने मिलीमीटर है तो कहना बड़ा और लगेगा, जनरली हम उसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो यूनिट भी हमने बड़ा लिया, और किलोमीटर लेंथ का बड़ा यूनिट होता है। तो कोई कहे कि व्हाट इज एएमयू, तो आप लिखोगे इट इज एन यूनिट ऑफ मास। सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन, व्हाट इज एएमयू, तो कहोगे एएमयू इज एन यूनिट ऑफ मास। अब इसकी डेफिनेशन, जब भी कोई यूनिट आता है तो उसकी डेफिनेशन होती है कि हमने कहा कि इतनी लंबाई को हम 1 मीटर बोलेंगे, तो इसकी आधी लंबाई को आधा मीटर। बल एएमयू क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, 1 AMU = 1/12 मास ऑफ 1 carbon 12 atom। कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14, कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होता है उसका 12वां हिस्सा बोला जाएगा 1 AMU। अब कार्बन के एक एटम का मास निकालो, हमने क्या ले लिया,
वन मोल कार्बन 12, इट मींस 12 ग्राम, कुछ भी ले लोगे, वन मोल अगर ये ले लेंगे तो 13 ग्राम, वन मोल ये ले लेंगे तो 14 ग्राम, वन मोल ये ले लेंगे तो 40 ग्राम, वन मोल कार्बन 12 का जो मास होगा वो होगा 12 ग्राम, और वन मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 × 10³ एटम्स ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12 ग्राम, तो वन एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12, और ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 6.022 × 10³ ग्राम, इट इज द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इन ग्राम, ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, मैं यहां लिख रहा हूं तो आ जाएगा 1 AMU = 1/12 × वन कार्बन एटम का मास, ये वैल्यू मैं यहां उठा के पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 12/6.022 × 10³ ग्राम, 12 से 12 गया, ये आया 10³ था, ऊपर जाके हो जाएगा -23, तो ये वैल्यू अब 1/ इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 0.166 × 10³ इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे बच्चों, डेसिमल से पहले वन प्लेस होता है, डेसिमल इधर जाएगा तो पावर्स ये -23 है, ऊपर जाके -23 हो गया, पावर्स कम हो जाएंगी, -23 में एक कम करोगे तो -24 हो जाएगा, × 10⁻²⁴ ग्राम, यानी 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। अब आप आगे देखिए, ये जो हमने आपको असाइनमेंट दिया था बच्चों, इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर अगर हम करें, सबसे पहले हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है द कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट बोला है NaCl को, उसमें फार्मूला भी दे रखा है, एंड शुगर आर दिस एंड दिस पर किलोग्राम, कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर मोल, एक मोल का मतलब होता है मॉलिकुलर मास के बराबर, जैसे 1 किलो NaCl की कॉस्ट है ₹2 और 1 मोल NaCl का मतलब होगा सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास, क्लोरीन का ये, तो ये आएगा 58.5 ग्राम, यानी आपको 1 किलो की कॉस्ट गिविन है और 1 मोल की कॉस्ट पूछी है, यानी इतने ग्राम की मास कॉस्ट पूछी है, 1 किलो मींस 1000 ग्राम NaCl की कॉस्ट है ₹2, तो 58.5 ग्राम NaCl की कॉस्ट हो जाएगी ₹2 इंटू में ये आ जाएगा 58.5 डिवाइड में ये आ जाएगा, बस आप कैलकुलेट कर लोगे आंसर, आप खुद चेक करोगे, कैलकुलेशन आपका काम है। अब सुक्रोज में आ गए, 1 किलो सुक्रोज की जो कॉस्ट है वो ₹6 दे रखी है, 1 किलोग्राम यानी इतने ग्राम सुगर का फार्मूला है C12H22O11 = ₹6, इसका मॉलिकुलर मास निकाल लोगे आप 12 × कार्बन + 22 × हाइड्रोजन + 11 × ऑक्सीजन, और कार्बन का रख दोगे 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रख दोगे 1 और ऑक्सीजन का रख दोगे 16, तो इसके 1 मोल का जो मास आएगा बच्चों वो आएगा 342 ग्राम, सुगर की कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो 6 तो ये है 342 यहाँ आएगा अपान 1000, इतने रुपीज होगा, आंसर रुपीज में है तो रुपीज देखना, हो सकता है पैसे में ले रखा हो तो × 100 हो जाएगा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब बच्चों ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, यहां पे आता है क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, उसके अंदर मैग्नीशियम का मास दे रखा है 2.68%,
यानी अगर आप 100 ग्राम क्लोरोफिल लोगे तो उसमें मैग्नीशियम होगा 2.68%। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2 ग्राम क्लोरोफिल। सबसे पहले हम निकालेंगे 2 ग्राम क्लोरोफिल में एटम्स मैग्नीशियम के, उसके लिए पहले हम निकालेंगे मास। मास ये क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 14 ऑफ मैग्नीशियम, ये है 2.68% ऑफ क्लोरोफिल आपको गिवन है 2 ग्राम। 2.68% का साइन हटाते हैं बच्चों तो डिवाइड करते हैं 100 से, ऑफ की जगह इनटू और 2, ये वैल्यू आ जाएगी कितने ग्राम। मैं कैलकुलेटर लेके आता हूं उससे चेक कर। ये वैल्यू आएगी बच्चों 2.68 × 2/100, ये वैल्यू आएगी 0.0536 ग्राम। अब इसमें एटम्स निकालिए, पहले निकालो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, तो फार्मूला होगा वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, क्योंकि मैग्नीशियम एटम 0.0536, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है। ये वैल्यू आई बच्चों 0.00223, ये आ गए हमारे मैग्नीशियम के एटम्स के मोल। अब निकालने हैं एटम, हमको पता है एक मोल में एटम होते हैं 6.022 × 10^23, तो इतने मोल में कितने एटम्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स, ये जो वैल्यू गिवन है इसको आप वाटो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आएगी 0.0134 × 10^12 को यहां शिफ्ट कर दो, पावर डेसिमल राइट में आता है तो पावर कम होती है, 2 प्लेस राइट में गए तो ये पावर होगी 20। ये आंसर है, आंसर आपको इसी में नीचे गिवन है। ठीक आ गया हमारा आंसर, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 40। अब क्वेश्चन नंबर 11, बाकी क्वेश्चन आप करोगे जो डाउट्स आएंगे वो आप मुझे सेंड कर दोगे, मैं क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट पार्ट मोल्स पूछे हैं आयरन के, नंबर ऑफ मोल्स, तो फार्मूला हो जाएगा वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, क्योंकि आयरन तो एटम है, एटॉमिक वेट, वेट इन ग्राम दे रखा है 7.85 ग्राम अपॉन आयरन का एटॉमिक वेट क्वेश्चन में गिवन है इतना। इसको आप सॉल्व कर लोगे ये आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन आपको बच्चों खुद करनी है। इसका बी पार्ट दे रखा है 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन, मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, 1 मिलीग्राम में होते हैं 10^-3, यानी 1 ग्राम = 1000 मिलीग्राम, तो ये मिलीग्राम है, 1000 से डिवाइड कर दो इतने ग्राम, अपन एटॉमिक वेट रखा है सिलिकॉन का 28.1। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे ये आपका आंसर होगा, आंसर से मैच कर लेना। सी पार्ट ये दे रखा है म्यू जी, इसको पढ़ते हैं माइक्रो, म्यू बना हुआ है लेटर, इसको पढ़ते हैं माइक्रो, 1 माइक्रोग्राम = 10^-6 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम = 10^-6 ग्राम। तो अब निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स, माइक्रोग्राम में रखा है 65.6, माइक्रोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10^-6 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन, एटम है कार्बन का तो 12। अब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ये एटम हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। अब आप इस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन कर लोगे, जो नहीं आएगा वो आप मुझे ग्रुप में सेंड करोगे, मैं उसको डिस्कस करूंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसका टॉपिक होगा सॉल्यूशन।
ठीक, ये असाइनमेंट हमारा 2 दिन में कवर हो जाएगा। मैं जल्दी से जो मैंने आपको दिया था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का, ये हम कवर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। अब बच्चों थोड़े ज्यादा लेक्चर सेंड करेंगे जिससे कि सिलेबस हमारा आगे बढ़े। थैंक यू।